इसी तरह से क्वेश्चन रहता, यही क्वेश्चन रहेगा, आप निम्न परिवर्तन कैसे करेंगे। ये निम्न परिवर्तन आप कैसे करेंगे इंग्लिश में भी मिलेगा, हाउ डू यू ब्रिंग अबाउट फॉलोइंग कन्वर्सन्स, आप ये परिवर्तन कैसे करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है बाबू, देखो दिख रहा है एसीटिक एसिड टू, हमको कहाँ जाना है, मिथाइल एमीन पे जाना। तो एसीटिक एसिड से मिथाइल एमीन हम लोगों को बनाना है। तो देखिए आपको फार्मूला सोचना पड़ता है। तो देखिए एसीटिक एसिड है तो इसका हम लोग फार्मूला सोचते हैं, तो फार्मूला इसका होता है CH3COOH। देखिए ये एसीटिक एसिड, और फिर देखो बाबू बनाना है आपको मिथाइल अमीन, तो ये मिथाइल अमीन का फार्मूला सोचना पड़ता है, ये देखो होता है CH3NH2। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, फार्मूला सबसे पहले सोच लेंगे। तो फार्मूला सोच लिए दोनों का, अब देखो बाबू यहाँ से वहाँ तक जाना है। तो याद कीजिए एक रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं कि अगर हमको ये हो जाए मिथाइल क्लोराइड, तो याद कीजिए सभी बच्चे जानते हैं मिथाइल क्लोराइड की प्रतिक्रिया अगर हम NH3 से करा देंगे तो बन जाएगा हमारा मिथाइल अमीन। हमको चाहिए मिथाइल क्लोराइड। फिर बाबू याद करो अगर हमको मीथेन हो जाए तो मीथेन का अगर हम DSL कर देंगे क्लोरीन से, तो मीथेन का यदि आप DSL कर देंगे तो देखिए मिथाइल क्लोराइड हो गया, और मिथाइल क्लोराइड से NH3 से किए ये मिथाइल अमीन हो गया। तो ये देखो हो गया। अब देखिए अगर एक रिएक्शन आप दसवां में भी पढ़े हैं CH3COONA, इसको कहते हैं बाबू सोडियम एसीटेट, और जरूर आप जानते हैं सोडियम एसीटेट को अगर हीट कर देते हैं सोडा लाइम में तो बाबू बन जाता है मीथेन, मिथेन बन गया। अब कहिएगा सर ये कैसे होगा, तो देखिए काम हमारा हो गया, देखिए गजब की बात हो गई, NaOH से रिएक्शन करा दी। अगर बाबू हम NaOH या Na से रिएक्शन करा देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रतिक्रिया अगर आप NaOH या Na से करा देते हैं तो देखिए बन गया सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम में गर्म कर देते हैं बन जाता है मीथेन। मीथेन का बाबू DSL कर देंगे क्लोरीन से, देखो हो गया मिथाइल क्लोराइड, और इसकी प्रतिक्रिया NH3 से कर देंगे, देखो हो गया मिथाइल अमीन। बस इसी को तो कन्वर्सन कहते हैं, यही कन्वर्सन है, और यही ऑर्गेनिक का जानिए सबसे मेन चीज है। जब तक